लालची सरकार है और इसको लगता है हमने जो कानून बनाया वो देश के लोग मान्य कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। ड्राइवर जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा जब तक ये वापस नहीं होता इनका काला कानून। कैसे किसान डटे रहे, वैसे मेरी ड्राइवरों से भी निवेदन है कि आप लोग भी डटे रहो, ये लोग का ये काला किसान वापस नहीं दे सकता। हिटलर नहीं चला तो काला कानून वापस लो। TN24 न्यूज में फिर एक बार स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। इस वक्त हम संविधान चौक नागपुर में, जहाँ मोटर मालक यानी कि ड्राइवर किस तरह से हड़ताल कर रहे हैं। आपने देखा है कि जो कानून आया है कि 7 लाख रुपए एक्सीडेंट पे भरना होगा, वरना 10 साल की जेल भी हो सकती है, और वो भारत के सभी ड्राइवरों ने या गाड़ी मालकों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आग ये धीरे धीरे बढ़ती हुई महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पहुंच चुकी है, और इस वक्त हम है नागपुर के संविधान चौक पर। ये सरकार जो है इसकी मानसिकता हमेशा से खराब रही है। ये देश के अंदर काला ही कानून लाते हैं, जो भी लाते हैं। किसानों के अगेंस्ट में लाया, जमीनी अधिग्रहण के अगेंस्ट में लेके आया। इन्होंने पहले 125A के लाया था कि आप कुछ बोलोगे तो देशद्रोह का नुकसान आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। एकदम एक्सट्रीम परमिशन सजा सुनाने की बात करते हैं। जो ये धरने पर बैठे हैं इनकी क्या मांगे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और बात भी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नकुल गमे है। क्या आज का आंदोलन क्या है आपका? कैसे हमारा आंदोलन इसके लिए है कि हिट एंड रन वो कायदा है वो वापस लेने को होना, और जो अमित शाह जी ने बोला है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल जायसवाल है। ये जो काला कानून हिट एंड रन का कानून आया है, ये आम तमाम जनता जो OBC वर्ग है, जो SC NT के लड़के हैं, जो गरीब वर्ग के लड़के हैं, ये लड़के अपनी जान को जोखिम में लेके 24-24 घंटे अपने परिवार को पालने के लिए रोडों पर गाड़ी चलाते हैं, और ऐसे अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के गाड़ी चलाते हैं। और इनके न्याय के लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन इनके ऊपर कितना अन्याय किया जाए और कितना इनका शोषण किया जाए, ये सब काले कानून निकाल कर इनका शोषण कैसा किया जाए और सारे आवाम को कैसी जेल में भर दिया जाए, ये कानून ये अमित शाह जी ला रहे हैं। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। हाँ, इस पे मेरे को बताओ, ड्राइवर लोग 5,000 रुपए कमाते हैं, वो कहाँ से 7 लाख रुपए भरेंगे? 7 लाख रुपए भरते हैं तो गाड़ी काहे के लिए चलाएंगे? दूसरी दुकानदारी नहीं डालेंगे? तो इसलिए हमारा पहले ये बताइए कि कौन सी संस्था के मार्फत कर रहा है, प्रहार क्या है? ये प्रहार वाहतूक संगठन है, हमारी एक यूनियन है वो नागपुर की, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, और पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये हमारा आंदोलन चालू है। बस आपको पैसे चाहिए और आपको पैसे चाहिए, लालची है ये सरकार। ये तरीका है, एक गरीब आदमी अपना घर बार छोड़ के ड्राइवर की जिंदगी पता है इनको कैसी रहती है? हजारों सरदार गाड़ियां चलाते हैं, हजारों लोग गाड़ियां चलाते हैं, रात दिन घर से बाहर रहते हैं, रात दिन ट्रकों पर चलते हैं, माल यहाँ से वहाँ ढोलते हैं, देश की इकोनॉमी चलाते हैं वो लोग, और उसके बाद में आप उनको ये उनके साथ में ट्रीटमेंट करेंगे कि वो उनके हाथ से कुछ एक्सीडेंट हो जाए? सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है ना बिल्कुल। अरे भाई, कोई आदमी जानबूझ के एक्सीडेंट मारता है क्या? और मैं उनको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। अगर अमित शाह जी भी अगर अपने सत्ता के गुरूर में उल्टे सीधे कानून लाएंगे और हमारी गोर गरीब भाई जनता को लूटने का काम करेंगे तो हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। पहले हम शांति से बात करेंगे, नहीं माने तो मुलाकात करेंगे यहाँ के मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों को, कलेक्टर को जाकर मुलाकात करके उन समझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं माना गया तो फिर पहले बात, फिर मुलाकात, और उसके बाद हमारी जनता देती है सबके पिछवाड़े पे। तो आज ऐसी ही लाज जब तक। एक दिन का जो चक्का जाम हुआ था, एक या दो दिन का, उसमें सरकार के होश ठिकाने आ गए थे, लेकिन उसके बाद में जो ढील दी गई वो क्यों दी गई और कैसे दी गई? हमारे को मीडिया थ्रू झूठ बोला गया था कि मीडिया में ये बताया गया था कि ये काला जो काला कानून है अभी लागू नहीं किया है, इसलिए हम भी शांत हो गए थे। लेकिन उसके बाद में हमारे को पता चला जंतर मंतर में दिल्ली में आंदोलन है, हमारे कुछ महाराष्ट्र के लोग वहाँ गए हैं, तो उनने बताया ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी फिर से हमने 9 तारीख से कंटिन्यू चालू किया है। मतलब आपके साथ भी छल हुआ है, आपको झूठ अफवाहें खबरें दी गई? झूठ अफवाह हमारे को मीडिया थ्रू दी गई है। जानबूझ के ब्रेक नहीं होती है उसकी गाड़ी में, बाकी यंत्रणा नहीं होती है क्या? सरकार के सोचने से क्या होता है? सरकार के सोचने से क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, उसका नाम एक्सीडेंट है। अगर एक्सीडेंट उसका नाम नहीं है, हटा दो ना, लिख दो कि मर्डर करने के लिए गाड़ी चला रहा है, फिर सजा दो ना आप। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इनके लखीमपुर के अंदर में जो आदमी ने कैबिनेट मिनिस्टर के मिश्रा के लड़के ने गाड़ियों से उठा 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 के फेंका, उसको दो ना 10 साल की सजा, उससे वसूलो ना पैसे। वो तो खुद अपनी गाड़ी से कुचला है,
उसको बोलते हैं हादसा। ड्राइवर यूनियन, ऐसे काले कानून को जल्द से जल्द ये सरकार ने वापस लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और बिना ड्राइवर भाई के, बिना वाहन चालक मालक संगठन के ये देश नहीं चल सकता। ये देश के नेताओं को, पार्टियों को, सत्ताधारियों को, अच्छा, कोई पार्टी जो वोट मांगने के लिए आती है और आप लोगों के लिए हमदर्दी दिखाती है, ऐसी कोई पार्टी आपके साथ खड़ी है? देखो, ऐसी किसी पार्टी को हम ही खड़े नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों पार्टियां हमारे बलबूते पे खड़ी है। कौन कौन सी पार्टी? अरे जो भी पार्टियां राष्ट्रीय लेवल की हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो, या गली गोपचे की पार्टी, कोई भी पक्ष हो, हमसे बड़ा नहीं है। इस देश के, देश को चलाने वाला, जगाने वाला किसान है, देश को बचाने वाला जवान है, और देश के घर घर तक माल पहुंचाने वाला, सासे चलाने वाला और देश की रक्षा करने वाला हमारा ड्राइवर भाई है। जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि वाकई में 7 लाख रुपए है ड्राइवर के पास में जो भर सके? बिल्कुल, इतने मालदार होते हैं ड्राइवर? बिल्कुल नहीं, बड़े मुश्किल से वो अपना जीवन चलाते हैं, घर से बाहर रह करके परिवार का नियोजन करते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। कुछ तो होगा ना, सरकार ने कुछ तो सोचकर ये कानून लगाया होगा ना कि 7 लाख भर सकते हैं, इसीलिए तो लगाया होगा ना। ये सरकार ने हेलमेट नहीं पहनने के लिए 5,000 रुपए लगा दिए। ड्राइवर के पास में लाइसेंस नहीं है, 10,000 रुपए भरो, ओनर भी भरे 5,000 रुपए और ड्राइवर जो बगैर लाइसेंस के चला रहा, इसको सिर्फ पैसे होना। लालची सरकार है और इसको लगता है हमने जो कानून बनाया वो देश के लोग मान्य कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। ड्राइवर जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, जब तक ये वापस नहीं होता इनका काला कानून। कैसे किसान डटे रहे, वैसे मेरी ड्राइवरों से भी निवेदन है कि आप लोग भी डटे रहो, ये लोग ये काला किसान वापस लेंगे। एक ड्राइवर को अंदर करने से उसका परिवार पूरा उध्वस्त हो जाएगा। एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, क्या सोच कर ये कि 7 लाख रुपए अगर एक्सीडेंट होने पर जो ड्राइवर भरेगा, तो क्या सरकार को लगता है कि ड्राइवरों के पास में काफी पैसा है? और मेरा ये पर्सनल एक सवाल है कि क्या सही में इतना पैसा ड्राइवरों के पास है जो 7 लाख रुपए भर सकते? ऐसा है कि सरकार जो है, ये सरकार में बैठे हुए जितने भी मंत्री नेता है, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उनको 7 लाख 7 रुपए जैसे भी नहीं लगते। करोड़ों के गबन किए हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो चोर है तो जनता भी चोर है, ऐसा उनका जो दृष्टिकोण है। वो चोर को जैसा काला चश्मा पहनने वाले को दुनिया काली दिखती है, नीला पहनने वाले को दुनिया नीली दिखती है, वैसे जो पैसे वाले है, जिनको पैसों का, सत्ता का गुरूर है, उनको लग रहा है कि जैसे हमने मलाई दबाई है देश की, वैसी जनता ने भी दबाई है। उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? क्या उसके माँ बाप बूढ़े नहीं है घर के अंदर में, बीमार नहीं है, वो कहाँ से उनका पालन पोषण करेगा? जेल में रह के 7 लाख भी भरेगा, 10 साल की सजा भी भरेगा और परिवार को मरने के लिए छोड़ देगा? ये गलत कानून है, ये आदमी के इंसानियत के खिलाफ इनह्यूमन कानून है। ये कानून रद्द होना चाहिए। हाँ, एक्सीडेंट होता है, आप उसकी चिकित्सा करो, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से चिकित्सा। कोई अगर जानबूझ के आगे ट्रक के सामने आकर मर जाता तो उसके लिए क्या? ऐसे भी वीडियो हैं, ट्रक जा रहा है, पीछे के चक्के में आदमी ने अपने आप को ढकेल दिया, सुसाइड कर लिया, ड्राइवर जिम्मेदार है क्या उसके लिए? ड्राइवर जिम्मेदार है उसके लिए? हर चीज का इन्वेस्टिगेशन होने को होना, उसका इल्जाम तय होने को होना, उसके बाद सजा सुनाई जाती है। ये तो इल्जाम तय होने के पहले ही सजा सुना दी इन लोगों ने, न्यायाधीश बन गए क्या? देश की सत्ता दी है लोगों ने, उतारना भी जानती है। अगर ये इंसाफ नहीं होता है आपके साथ तो क्या करने वाले आगे? क्या ड्राइवर पूरे भारत के या फिर नागपुर के क्या करने वाले? नागपुर के ही नहीं, पूरे भारत के ड्राइवरों के संपर्क नकुल जी गमे के पास है, हमारे ऋषि भाई है, हमारे राहुल जी नानोटे है, हमारे इतर जो भाई वर्ग है यहाँ पे जो एकत्रित है, ये एक एक ड्राइवर के पास 1,000-1,000 ड्राइवर के कॉन्टैक्ट है। पूरे देश के जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जो ड्राइवर भाई है, जो मजदूर है, जो गाड़ी चलाता है, उनके सबसे हमारे कॉन्टैक्ट है। हमने आज इतर राज्यों में भी फ़ोन लगाया, सभी राज्यों में हमारे फ़ोन से प्रतिक्रिया मिली है कि वहाँ पर भी बंद है। धीरे धीरे अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले 2-3 दिनों में आप देखोगे कि भारत की सासे रुक जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, रोड से गाड़ी चलना हम बंद कर देंगे। और फिर भी अगर मुजोरी करके हमारे विरोध में अगर कोई हमारा समर्थन न करते हुए अगर कोई ट्रांसपोर्ट वाला, कोई बस मालिक जो बस ड्राइवर चलाता है, ट्रांसपोर्ट चलाता है, बस गाड़ियां चलाता है, हमारे विरोध में जाकर अगर गाड़ियों को चलाता है तो 6 महीने तक वैसे मालिकों के ऊपर हम बहिष्कार करेंगे। जो बस मालिक है जिसके पास 10 बसें हैं 20 बसें हैं, जिस मालिक के पास 50 ट्रकें हैं, जो हमारा विरोध करके भी जबरन ड्राइवर को धमका के उससे गाड़ी चलवा रहा है, ऐसे लोगों के गाड़ियों पे आने वाले 6 महीने पे एक भी ड्राइवर काम नहीं कर रहा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, राहुल जी नानोटे लेते हैं, नकुल जी गमे लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जी जायसवाल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज है 10 जनवरी और हमने वो अपडेट दिया था कि 10 जनवरी को ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से पूरे चक्का जाम
होना तय है, क्योंकि हमें इसकी बात इस बात की खबर लग चुकी थी जो आपने रिकॉर्डिंग भी सुना था हम लोगों की, और हमारा अंदाजा भी सही निकला। हिटलर नहीं चला तो हिटलर नहीं चला तो हिटलर नहीं चला तो काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। तो इसी तरह खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ TNN 24 न्यूज पर, रियाज शेख के साथ। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद।